बढ़ती गर्मी की, ये गर्मी तड़पा रही है, ये गर्मी परेशान कर रही है, ये गर्मी जला रही है, ये गर्मी बीमार भी कर रही है। और इस गर्मी से सिर्फ परेशान हम नहीं है बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधे भी हैं। और लौह नगरी जमशेदपुर के जू में भी यही हालत फिलहाल इन दिनों बनी हुई है, लेकिन इन जू में मौजूद पशु पक्षियों को बचाने के लिए भी तैयारी की गई है। तो एक रिपोर्ट आप देखिए यहां से जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के जू से कि वहां पर कैसे जानवरों को प्रचंड गर्मी और तपिश से बचाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। गर्मी के मद्देनजर जू प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। जानवरों और पशु पक्षियों के बाड़ों में फूस और पंखे के साथ पूरा लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पानी के कृत्रिम फुहारे भी चलाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को प्रचंड गर्मी से बचाया जा सके। जू प्रबंधन ने बताया कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए और भी कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बोलते हैं उसके ऊपर में ताकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, उसके लिए हम लोग बांस का जो चटाई होता है उसको लगाते हैं। अभी लग गया हमारा सारे चिड़िया में। उसके साथ साथ हम लोग जो पुआल होता है, जो खड़ छड़ जिसको खड़ बोलते हैं इसको, उसको पुआल का भी हम लोग उसमें देते हैं उसका छत में, ताकि जो हीट अब्जॉर्प्शन हो जो उसका केज का वो रुक जाए और डायरेक्ट सनलाइट हमारा चिड़िया को नहीं लगे। उसी तरह से जो बंदरों का जो केज आपने देखे होंगे, जो बंदर का केज में भी हम लोग छप्पड़ लगाए हैं ताकि मैक्सिमम उसको शेड हम लोग छांव दे सके। पंजाब से जू घूमने आए सैलानी का कहना है कि जमशेदपुर में पंजाब के मुकाबले गर्मी ज्यादा है। गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं। कई कहा था कि इधर जगह अच्छी है, घूम के आओ प्लीज, तो हम इसलिए पंजाब से स्पेशल इधर जू घूमने आए हैं। गर्मी कैसा पता चलता पंजाब में? नहीं, गर्मी नहीं, गर्मी बहुत है। इधर गर्मी ज्यादा है, पंजाब में हमारा गर्मी बहुत कम है इधर, इसलिए फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। इधर टाटा जू के डॉक्टर का कहना है कि गर्मी अप्रैल महीने में इससे पहले इतनी कभी नहीं पड़ी थी और इस गर्मी में जानवरों को बचाना एक बड़ी चुनौती। हालांकि हम लोग पहले से ही प्रिकॉशन ले रहे हैं। जानवरों को गर्मी के स्ट्रेस से बचाने के लिए एंटी स्ट्रेस हर्बल मेडिसिन दिया जा रहा है, उससे उनका तनाव दूर हो रहा है। साथ ही उनके शरीर में नमक की कमी को लगातार पूरा किया जा रहा है। जानवरों को खाना और उनके पानी के साथ में कई तरह की दवाएं दी जा रही है ताकि जानवर इस प्रचंड गर्मी में भी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जहाँ जहाँ तीखा धूप पड़ता है, पेड़ पौधा कम है, उस जगह में हम छप्पर का जो है बैम्बू मैट्स लगाए हैं ताकि धूप का असर थोड़ा कम हो। उसके बाद सुबह में 9 बजते अपने स्टाफ जो है, सारा छोटा चिड़िया है और बड़ा जानवर है जो को जिसको पानी जरूरत है, जैसा एमू है, लायन टाइगर जिराफ है, सबको पानी से नहलाते हैं। जमशेदपुर का तापमान 43 डिग्री के आसपास हो गया। जहाँ गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं जू के जानवर भी कहीं ना कहीं गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जू प्रशासन ने गर्मी से बचने के लिए सारे उपाय किए, चाहे वो कूलर की बात करें, समय समय पर जानवरों को नहाने की बात करें, या फिर खान पान में बदलाव किया गया है। सही जानवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।